नमस्कार। अमर उजाला .com के इस विशेष सीधे प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। कोरोना का काल चल रहा है और अमर उजाला .com अमर उजाला फाउंडेशन के साथ मिलकर हर रोज 5 बजे आपसे मुखातिब होता है कुछ विशेषज्ञों के साथ। कोरोना की इस दूसरी लहर ने हमारे देश को जिस तरीके से प्रभावित किया है वो सभी को न केवल परेशान कर रहा है बल्कि बहुत हद तक अचंभित भी कर रहा है। जिस तरीके से हमने अस्पतालों से लेकर शमशान के बाहर तक कतारें देखी, हम सब अंदर तक हिल गए और दहल गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लोग अपने परिजनों को लेकर अस्पताल अस्पताल घूम रहे थे और उन अस्पतालों में हमें बचाने वाले जो मसीहा, जो देवता बैठे थे, वो भी लगातार यही संघर्ष कर रहे हैं कि देश जल्दी इस दूसरी लहर से उबर जाए। लेकिन जब हम दूसरी लहर से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और जब हम लगातार देखते हैं कि आंकड़े जो 4 लाख को छू रहे थे, पिछली लहर में हमने देखा कि सर्वाधिक 24 घंटे में प्राप्त संक्रमितों के आंकड़े जो थे वो 90,000 तक गए थे सर्वाधिक, लेकिन इस लहर ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, जैसे कि वो आमदा हो इस देश को परेशान करने की। आंकड़ों ने 4 लाख को भी छुआ, 4 लाख को पार भी किया, लेकिन अब जब वापिस 3 लाख के नीचे संक्रमित मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, फिर भी थोड़ा सुकून इस बात से मिलता है कि धीरे धीरे प्रतिदिन जो संक्रमितों के आंकड़े वो कम मिल रहे हैं। लेकिन मौतों का आंकड़ा अब भी कम नहीं हुआ है। 4,000 से ऊपर की मौत हमने लगातार 2-3 दिन तक देखी और अभी भी ये आंकड़ा 3,000 से ऊपर बना हुआ है। और इसी बीच एक नई बीमारी जो अब महामारी का रूप ले चुकी है, देश के 3 राज्यों में उसको महामारी बाकायदा घोषित किया जा चुका है, वो है ब्लैक फंगस यानी काली कवक यानी म्यूकर माइकोसिस। इस बीमारी ने अब हमको इतना हद तक परेशान कर दिया है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं वो लोग भी परेशान है कि कहीं हमें ये बीमारी ना हो जाए, ये बीमारी ना घेर ले। जिनको कोरोना है और जिनका इलाज चल रहा है वो भी परेशान है। और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जब इस दूसरी लहर ने यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों को भी परेशान किया, प्रभावित किया, वहां पर कभी हमको सुनने में नहीं आया ये ब्लैक फंगस नाम का ऐसा दानव जो इस हद तक घातक हो चुका है कि 80% से अधिक तक भी मौतें होने के बाद सामने आई है कुछ जगहों से। आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में 2,000 से अधिक मामले मिले हैं, गुजरात में 1,000 से ज्यादा, महाराष्ट्र में इन 2,000 मामलों में से 100 से अधिक तो मौतें दर्ज हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 150 से ज्यादा म्यूकर माइकोसिस के मामले सामने आए हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम देश और दुनिया के विशेषज्ञों से जानें कि आखिर ये जो ब्लैक फंगस है ये क्या बला है। अगर हम इससे घबरा रहे हैं तो किस हद तक और कितना घबराना है, और इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो कैसे बच सकते हैं। हम बहुत आभारी हैं इन डॉक्टरों के, इन चिकित्सकों के, इन विशेषज्ञों के, जिनको देवदूत कहना बेहतर होगा, जिन्होंने समय निकाला है अपने व्यस्त समय में से, वो लगातार मरीजों को देख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये भी जरूरी है कि आप सब लोग जो अमर उजाला के इस लाइव से जुड़े हैं वो एक व्यापक स्तर पर, समाज के स्तर पर ये जान सकें कि ये बीमारी क्या है, इसका उपचार क्या है और इससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो आज एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष जैन जो दिल्ली के मैक्स अस्पताल में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर ऋचा गुप्ता हैं जो हमारे साथ वेल्लोर से जुड़ी हैं। डॉक्टर दीपक हैं जो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं, वो महामारी के विशेषज्ञ हैं। अहमदाबाद से डॉक्टर हार्दिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ गोयल हैं जो लंदन से जुड़े हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं कि वो लंदन से अपने समय को एडजस्ट कर हमारे साथ इस लाइव के लिए जुड़े हैं। लंदन से ही डॉक्टर अर्जुन हैं जो इमरजेंसी मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। मैं ये मानता हूं कि इतने सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के इस पैनल के साथ हम एक अच्छी बातचीत कर पाएंगे, जानकारी परक बातचीत कर पाएंगे और आप सब तक वो सूचनाएं, वो जानकारियां दे पाएंगे। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे सवाल आपने हम तक पहुंचाए कल से, जब से हमने इस बारे में प्रचार शुरू किया अमर उजाला के सोशल मीडिया माध्यमों पर, बहुत सारे सवाल आए हैं। डॉक्टर साहब आप सभी को बताना चाहूंगा, लोगों में बहुत जिज्ञासा है, डर भी है, चिंता भी है, और जो कि स्वाभाविक लगती है जिस तरीके से हम इस ब्लैक फंगस को अचानक विकराल रूप लेता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि कोविड के जब हम आंकड़े सुनते थे तो हमको ये समझ में बार बार ये भी आ रहा था कि 80-90% लोग ठीक हो रहे हैं, वहीं पर जब ये सुनने को मिलता है कि 70-80% लोगों को खतरा है जान का, तो अचानक सिनेरियो ही बदल जाता है और लोगों का डर और बड़ा हो जाता है। सबसे पहले मैं डॉक्टर आशीष जैन से सभी का परिचय कराना चाहूंगा जो वरिष्ठ श्वास रोग चिकित्सक हैं दिल्ली के मैक्स अस्पताल में, और मैं उनका आभारी भी हूं कि आगे की बातचीत को मॉडरेट करने के लिए सूत्रधार के रूप में उन्होंने हमें स्वीकृति दी है। वो इसलिए भी कि हम चाहते हैं कि इतने सारे विशेषज्ञों से कोई विशेषज्ञ ही अगर बातचीत करेगा तो बात बेहतर तरीके से निकल के आएगी। मैं सभी चिकित्सकों का अमर उजाला के इस लाइव में स्वागत करते हुए, सबसे पहले डॉक्टर आशीष जैन, चूंकि आप इसका आगे सूत्र संचालन करेंगे, लेकिन मेरे आपसे भी 2 सवाल हैं।
चूंकि आप पिछले एक साल से लगातार कोरोना के मरीजों को देख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल कोरोना की इस लहर को लेके है कि पहला तो ये कि पहली लहर और दूसरी लहर में आप क्या बड़ा अंतर देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर के भी इतने सारा समय हम देख चुके हैं, और जो ये बात लगातार हो रही है कि अब तीसरी लहर की चर्चा हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो क्या दूसरी लहर समाप्ति की ओर है जो हम तीसरी लहर की बातचीत और उसकी रोकथाम के उपायों की तरफ बढ़ चले, क्या दूसरी लहर की समाप्ति हमें दिखाई दे रही है डॉक्टर आशीष जैन? देखिए ऐसा है कि सबसे सबसे पहला जो आपका सवाल है कि दोनों लहरों में क्या अंतर है, तो मेरे ख्याल से पहली लहर जो थी वो बहुत कमजोर थी सीवियरिटी के मामले में, और ये वाली लहर जो है वो काफी अधिक घातक है, घातक जो है लोगों को संक्रमित करने के मामले में भी बहुत घातक है, और उसके साथ साथ जो इसकी सीवियरिटी ऑफ इलनेस है उसमें भी ये बहुत घातक है। पहले हमने इतनी इतनी ज्यादा मौतें नहीं देखी थी और इतनी ज्यादा सीवियरिटी नहीं देखी थी, बहुत ज्यादा लोग इसमें संक्रमित हो रहे हैं। रही बात की क्या दूसरी लहर समाप्ति की ओर है, ऐसी मेरी आशा है और ऐसी मेरी प्रार्थना भी है प्रभु से कि ये लहर जल्दी ही समाप्त हो, पर इसके बारे में मेरे ख्याल से जैसे ही हम आगे चलेंगे तब मैं डॉक्टर दीपक से इससे पूछूंगा और वो इस चीज के विशेषज्ञ हैं, तो ये सवाल मैं उनके लिए छोड़ता हूं। ठीक है, हम बहुत जिज्ञासा के साथ ये सुनना चाहेंगे कि दूसरी लहर की समाप्ति कितने निकट है, अनकरीब है। आपने जैसा कहा डॉक्टर दीपक जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, महामारी के ही विशेषज्ञ हैं, हमने पहले भी उनको अमर उजाला के ही मंच पर सुना है। मैं एक और सवाल के साथ फिर ये पूरा मंच आपको बातचीत आपको सौंपना चाहूंगा डॉक्टर आशीष। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बार बार हम ब्लैक फंगस, काली कवक या म्यूकर माइकोसिस से सुन रहे हैं, ये आखिर है क्या बला, ये कितनी घातक और खतरनाक है, और जो जो लोग इस वक्त हमारे लाइव से जुड़े हैं या बाद में भी यूट्यूब और फेसबुक पर लगातार इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आप सब लोग विशेषज्ञ हैं, ये आपने तो ब्लैक फंगस पहले भी सुनी देखी समझी होगी आपकी पढ़ाई में भी, और आपने मरीजों का इलाज भी किया होगा, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई, विदेशों में भी ये लहराई लेकिन वहां पर कभी हमने ब्लैक फंगस रूपी इस बीमारी को इतना बड़ा होते हुए नहीं सुना, तो ये ब्लैक फंगस का एक सामान्य रूप में एक आम आदमी को आप समझाएं अगर, तो ये क्या चीज है? देखिए एक फंगस होती है और ये फंगस एक तरीके से सर्वव्यापी है, हर जगह होती है, पर इंसान की स्वयं की रोगी की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उसको फंगस को अपने ऊपर आक्रमण से हमेशा बचाती रहती है। पर कुछ सेट ऑफ मरीज जो होते हैं, जैसे जिनको बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, उन लोगों में ये फंगस पहले भी असर करती थी और वो बीमारी करती थी, पर वो चूंकि उनकी संख्या इतनी कम थी इसलिए कभी भी वो मेन स्ट्रीम मीडिया में और दूसरे पेपर्स वगैरह में उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती थी, और हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा मरीज उन दौरान नहीं देखे हैं क्योंकि बहुत ही कम इस तरीके के मरीज आया करते थे। पर अभी कुछ तो हुआ है इस कोरोना काल में, और मेरे ख्याल से हम गहराई में इस विषय पर और ज्यादा चर्चा भी करेंगे इस परिचर्चा के दौरान, बट इस दौरान हम देखने में आ रहा है कि ये ब्लैक फंगस जो है ये काफी हद तक उन कोरोना ग्रसित मरीजों को, जिनको कि स्टेरॉइड्स मिले हैं, जिनको कि दूसरी दवाइयां मिली हैं, उनको ये असर कर रही है और उनके ऊपर एक्ट कर रही है। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आम जन की जानकारी के लिए कुछ लक्षण बता देता हूं जो कोरोना से ग्रसित हैं या जो उबर चुके हैं कोरोना से, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर स्टफीनेस ऑफ नोज है, अगर नाक बंद रहती है उनकी, नाक के ऊपर दर्द है, गालों में अगर सूजन हो रही है, कोई एक तरफ का हेडेक है, या आंख में उनके कोई नए लक्षण दिख रहे हैं, दिखने में परेशानी हो रही है, या जॉ में पेन है, टूथ में पेन है, दांत अगर हिलने लगे अचानक से, तो उस चीज को ये नजरअंदाज न करें और तुरंत ही तत्काल ही अपने चिकित्सक के साथ संपर्क करें। ये मोटे तौर पे म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब, और ये लक्षण ऐसे हैं जिस सबको गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप पर भी आए हैं, और अभी इस वक्त जब मैं लाइव देख रहा हूँ फेसबुक के हमारी टाइमलाइन पर भी बहुत सारे प्रश्न आते जा रहे हैं, यूट्यूब पर उनको मैं बाद में लेना चाहूंगा। मैं सभी से ये जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप धैर्यपूर्वक हमारे इस लाइव में बने रहें, बड़े विशेषज्ञ हैं, बहुत समय निकलकर हमारे साथ जुड़े हैं, और कोशिश करेंगे कि दोहराव नहीं होगा सवालों का, लेकिन अधिकांश जो सवाल है वो हम ले लें, लेकिन चूंकि ये विशेषज्ञ अपनी तरफ से भी बहुत सारी बातें ऐसी बता सकते हैं जिनमें शायद
आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब पहले से शामिल हो, तो मैं चाहूंगा कि आप ये विशेषज्ञ आपस में बातचीत करें, जो कि एक प्रयोग हमने इस अमर उजाला के मंच पर किया है, और इन विशेषज्ञों की बातचीत से ही हमारी समस्याओं का समाधान निकले। तो डॉक्टर आशीष, मैं चाहूंगा कि अब आपके माध्यम से ये बातचीत आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप, और बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला का, जिन्होंने इतनी गंभीर चर्चा के लिए, इतनी गंभीर परिचर्चा के लिए हमें अपना मंच दिया है और हमारे दर्शक दिए हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर अर्जुन, डॉक्टर हार्दिक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और हम इस परिचर्चा को आगे लेके जाएंगे। डॉक्टर ऋचा, हम आपसे शुरुआत करते हैं, आप वेल्लोर से हैं, बहुत ही सम्माननीय प्रतिष्ठान है और हम सबकी निगाहें रहती हैं कि कौन सी गाइडलाइन वेल्लोर से निकले ताकि हम उसको आगे फॉलो करें। एकेडमिकली बहुत ही साउंड इंस्टीट्यूट है, मैं आपका वापस से धन्यवाद करता हूं कि आप यहां तक आए अपना समय निकाल के। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो जयदीप ने मुझसे पूछी थी और मैंने सवाल आगे के लिए रख छोड़ा था, पिछली वेव और इस वेव में आप क्या अनुभव महसूस करते हैं, क्या अंतर है? आप अनम्यूट हैं। हाँ, हम पहली वेव और दूसरी वेव की बात करते हैं तो थोड़े से 4-5 अंतर हम देखने को मिलेंगे इस सेकेंड वेव में। जो पहली चीज और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहली वेव में जो हमारा पॉजिटिविटी रेट था कोविड इन्फेक्शन का, वो करीब 4-5% था, या फिर कुछ जिलों में, कुछ स्टेट्स में इट वेंट अप टू 12%। लेकिन इस वेव में इट हैज गॉन 20% के भी ऊपर हो गया है ये, और कुछ कुछ स्टेट्स में 40% तक गया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमारे सीएमसी में, हमारे यहाँ पर करीब 2-3 हफ्ते, आज से 2 हफ्ते पहले तक, अभी लास्ट 3 वीक्स में हमारा पॉजिटिविटी रेट 50% से 60% तक हुआ है। हमारे हॉस्पिटल का मैं बात कर रही हूँ, पर सर्टेनली इसको हम एक जनरलाइज चीज नहीं ले सकते क्योंकि एक बहुत ही सिलेक्टेड पॉपुलेशन आ रही है सीएमसी में, तो जो जिनको सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं, तो सर्टेनली जो सिम्टोमेटिक है उनमें अगर हम टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी रेट ज्यादा मिलेगा। नाउ इसके साथ साथ पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, इसका मतलब जो हमारा कोविड वायरस है, ये वाला जो वायरस है, ये ज्यादा इन्फेक्टिव है। वो हम देख रहे हैं, पिछली वेव में हमारे पास जितने पेशेंट्स है, जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स है कोविड इन्फेक्शन के, वो इस वेव में बहुत कई गुना बढ़ गए हैं। 90,000 तक गया था लास्ट टाइम जब हम उसमें थे, इस बार हम 4.5 लाख 4.25 लाख ऊपर के पास पहुंच गए, और अभी भी हमारे नंबर्स कंटिन्यूअसली कम हुए हैं एंड दैट्स अ गुड साइन। लेकिन अभी भी हम करीब 2.5 लाख 2.75 लाख ऐसे नंबर पे अटके हुए हैं, विच इज सर्टेनली मच मच मोर देन वॉट इट वॉज इन फर्स्ट वेव। दूसरी चीज है, एक और जो चीज हम देख रहे हैं, क्यों, क्या कारण है कि ये वाला वायरस, दिस वायरस विच इज देयर, द कोविड वायरस इन सेकेंड वेव इज मोर इन्फेक्टिव, या ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, ज्यादा घातक हो रहा है, वो शायद एक्सपर्ट की राय है कि इसमें पिछली वेव में हमें कुछ म्यूटेंट वायरस का ज्यादा रोल नहीं था, पर इस बार लोकल म्यूटेशन ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से पॉजिटिविटी एज वेल एज जो इन्फेक्शन है कोरोना वायरस का, जो इन्फेक्ट करने की टेंडेंसी है, वो ज्यादा बढ़ गई है। सेकेंड थिंग, जो नंबर ऑफ इस वेव में हम ये देख रहे हैं कि शायद यंग लोग जो हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, पर अगर हम गवर्नमेंट का डेटा लेते हैं तो वो अभी भी इस बात पे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मार्जिनल इंक्रीज हुआ है 40 एंड बिलो वाले में, अदरवाइज 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो इन्फेक्ट हो रही है कोरोना से इवन इन सेकेंड वेव, वो भी अबव 40 ईयर्स ऑफ एज है। हालांकि आई थिंक आप सब लोग जितने भी जुड़े हुए हैं इस पैनल पर, सब लोग देख रहे होंगे अपने अपने क्लिनिकल सिनेरियोस में कि यंगर पॉपुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ऑल्सो तीसरी चीज जो देख रहे हैं, बच्चों का ज्यादा इन्फेक्शन मिला है इस वेव में कंपेयर टू फर्स्ट वेव। कुछ नए साइंस एंड सिम्टम्स भी इस वेव में वेरी स्पेसिफिकली मिले, वो हमने देखे अपने पेशेंट्स में, आई एम नॉट श्योर कि और जगह भी ऐसा कुछ मिल रहा है। जो कॉमन सिम्टम्स है, बुखार, खांसी, सांस कष्ट होना या बदन दर्द होना, वो तो इस वेव में भी है, लेकिन इसके अलावा 3 या 4 सिम्टम्स जैसे बोलेंगे आंख का लाल हो जाना, इस
बिना उसके, बिना किसी और साइन के। दूसरी चीज है कानों से कम सुनाई देना, या फिर मेंटल फॉग हो जाना जिसे बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन। ये कुछ नए सिम्टम्स हैं जो इस वेव में देखने मिल रहे हैं ज्यादा। इसके अलावा हम अगर बात करेंगे कि क्या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, इस जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं वो ज्यादा, वो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा ज्यादा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। और ये हमारे डेटा, हमारे जो हॉस्पिटल डेटा है उसी से नहीं, गवर्नमेंट भी इस बात को अग्री करती है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो इस वेव में पेशेंट्स को ज्यादा जरूरत पड़ रही है। पिछले वेव में जब 35-40% पेशेंट्स को ऑक्सीजन जरूरत पड़ रही थी, इस वेव में 50% एंड अबव पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें हैं, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। और शायद हम जो है क्योंकि हम ज्यादा सिक पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हम ज्यादा स्टेरॉइड्स और ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है या फिर म्यूकर माइकोसिस का जो इतना शोर मच रहा है, शायद उसके नंबर भी हमें इस वजह से ज्यादा इस वेव में मिल रहे हैं जी। और इसमें मेरे ख्याल से मैं दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि आपने बताया कि यंग पॉपुलेशन ज्यादा इन्फेक्ट हो रही है, उसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि जितनी सीवियरिटी ऑफ इलनेस है वो यंग पॉपुलेशन में ज्यादा है, शायद इसलिए क्योंकि एल्डरलीज जो हैं वो उनको वैक्सीनेट पहले हो चुका है, उनका वैक्सीकरण हो चुका है, टीकाकरण हो चुका है, तो वो भी शायद एक चीज इसमें कम से कम दिल्ली में तो हमें देखने को मिल रही है, और शायद आप लोगों का भी, बाकी लोगों का भी यही अनुभव होगा। आई अग्री विद यू डॉक्टर आशीष, एंड जैसे पहले भी जो यंगर पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, शायद उसका कारण दो कारण मैं बोलूंगी। शायद एक तो ये वो पॉपुलेशन है जो बाहर जाती है काम करने के लिए, और जैसे ही हमारी फर्स्ट वेव कम होनी शुरू हुई ये लोग निकले काम करने के लिए, और इन्होंने जो अपने गार्ड्स हैं उसको लोअर डाउन कर दिया, मतलब जो हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि मास्किंग की, सोशल डिस्टेंसिंग की, यूजिंग सैनिटाइजर ऑल द टाइम, वो शायद हमने कम कर दिया, और इसलिए शायद ये ज्यादा मिले जुले ये ज्यादा इन्फेक्ट हुए। एंड दूसरी चीज जैसे आपने बोली कि वैक्सीन जो था इस पॉपुलेशन के लिए आया ही नहीं था उस समय, बाय द टाइम वी गॉट अ सेकेंड वेव हम इन्फेक्ट हो गए। सो हालांकि वैक्सीन जो पॉपुलेशन जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्ट हमारी, हम वैक्सीनेट कर चुके हैं वो उतनी ज्यादा नहीं है, आज के नंबर 18 करोड़ है, बट उसके बावजूद भी यस एल्डरली पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर पाए थे, तो सर्टेनली ये वाले जो पॉपुलेशन थी ये एट रिस्क थी इस ज्यादा विरुलेंट वायरस से इन्फेक्ट होने के लिए। जी जी जी, दुर्भाग्यवश। दीपक मैं आपके पास आता हूँ, नंबर्स कम हो रहे हैं, सेकेंड वेव रिसीड हो रही है, अब कितनी बची है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है डॉक्टर आशीष। थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है कि यू नो इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे जो पीक आया है वो भी डिफरेंशियल पीक आया है, और जो पीक जाएगा वो भी डिफरेंशियल पीक जाएगा। तो ये ज्योग्राफीज में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो जो ऐसे स्टेट्स है जिनमें पीक पहले आ चुका था वो शायद जल्दी से यू नो टच करें बेस लाइन को। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे राज्य जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, जिन्होंने पीक थोड़ा सा पहले कर लिया था, कंट्री जब पीक कर रही थी उसके पहले ही इन लोगों, इन स्टेट्स के अंदर काफी थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे बेसलाइन टच करने में मुश्किल से, मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि 10 दिन में मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स जिनने पहले पीक किया था वो शायद डाउनवर्ड ट्रेंड लेंगे, डाउन हिल आना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसे स्टेट्स से जिन्होंने थोड़े दिन बाद पीक किया जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है या केरला है, उनके अंदर थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता है, पर ओवरऑल मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये वेव जल्दी रिसीड करेगा, हमने हमारे पीक को अचीव किया था और ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, और काफी सीरो सर्वेलेंस जो हो रहे हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं कि अब जो ओवरऑल सीरो सर्वेलेंस, सीरो प्रेवलेंस जो है IgG एंटीबॉडी टाइटर का वो काफी हाई हो चला है, शायद वैक्सीनेशन इसको और कॉम्प्लीमेंट करेगा, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी वो जो मैजिकल फिगर ऑफ हर्ड इम्यूनिटी वहां तक भले ना पहुंचे
और उसके बहुत करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रिचा ने बहुत अच्छी बातें बोली थी, एक पॉइंट थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस वेव में जो मुझे खास चीज अंतर दिखी वो दिखा था सेकेंडरी अटैक रेट के बारे में। फर्स्ट वेव के अंदर घर के अंदर एक आदमी होता था या दो आदमी होते थे, पर ये वेव थोड़ी ऐसी थी जहां पे पूरा पूरा परिवार कोविड के साथ रहा है और काफी सारे लोगों को एक कोविड हुआ, इसके कारण क्यूमुलेटिव नंबर काफी बड़े हैं। लास्ट चीज मैं एंड करूंगा कि मैं थोड़ा सा सोसाइटल पर्सपेक्टिव देखूं तो इस बार मुझे कुछ नए टर्म सुनने को मिले हैं। डबल मास्किंग काफी फेमस हुआ, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करने लग गए, हम बात करने लग गए एयरबॉर्न इन्फेक्शन की, ऑल ऑफ अ सडन हमारा पूरा एपिडेमियोलॉजिकल डेफिनेशन में हमने चेंज लाना शुरू किया कि अब तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया है। तो इसके कारण भी काफी सारी चेंजेस मैं पहले और सेकेंड वेव के अंदर देखता हूँ। एंड आई स्टॉप हियर, थैंक यू। पिछली बार दीपक हम जब मिले थे तकरीबन 3 हफ्ते पहले, तब आपने तारीख दी थी कि 15 तारीख के बाद वो रिसीड होना शुरू होगा। तो अब मुझे लगता है कि आप एपिडेमियोलॉजिस्ट ही नहीं ज्योतिष भी हैं। अब क्या तारीख देंगे? मेरा ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आप June 1st के अंदर हम फिर से मिलेंगे और शायद हम फिर साथ में कॉफी पिएंगे। चलिए चलिए। सौरभ, क्या हम लंदन आके वहां पे कॉफी पी सकते हैं आपके साथ? वो हाँ भाई, बिल्कुल नहीं है। वो समय कब आएगा? You have to stay in the hotel for 10 days. यहाँ पे इंडिया इज इन द रेड लिस्ट कंट्री, so I think by June 21st they are going to relax a lot of things here, that's the plan, but it may be all sidetracked and by the Indian variant which is rising in UK at the moment, so we are seeing 4 times the numbers in the last 3 weeks, so it's rising rapidly, so we don't know how things go, but yes, we will meet hopefully soon. That's the hope for everyone. Yes, okay. सौरभ, एक चीज मैं और आपसे पूछूंगा और वो है कि आपने लंदन में रहते हुए यूके और यूरोप के बाकी शहरों में काफी कीनली ऑब्जर्व किया है ये फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को, क्या दिखता है आपको अंतर? आप हिंदुस्तान को भी बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे वहां पे बैठ के, और वहां पर तो आप यू आर इन द सॉर्ट ऑफ आई ऑफ द स्टॉर्म। क्या डिफरेंस दिखता है आपको यूके की फर्स्ट और सेकंड वेव में? पहले तो हमें ये बताएं कि वो वहां पे कैसे मैनेज हुई, क्या हुआ वहां पे फर्स्ट और सेकंड वेव में, एंड व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिया एंड द यूके, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? थैंक यू आशीष। सो या, सो यूके वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज यू नो टू गेट द वायरस फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम वुहान। सो द फर्स्ट केस वाज 23rd ऑफ जनवरी लास्ट ईयर, and at the time you know everybody thought it's a problem just like the rest of the world, ki a Chinese problem hai, but actually as we now know it's not really the case, and the flights were coming from China and even from Wuhan for many months afterwards, so there was exponential rise in February March leading to a full lockdown by 23rd of March, so within 2 months at that time. And at the time, again, the government was not prepared. You know, there was no testing available for general people. So only people who were being admitted were being tested. So the numbers as such officially were very low, but the general population infection was very high. So that the peak cases were about 5,000 officially per day, admission about 3,000 a day. And at the peak in about April, there were 20,000 people in the hospital at one time. And the deaths of about 1,000 patients per day at the peak, but the lockdown was very effective, and by August the numbers had gone down to like 200 cases per day, and that was like, and there was a relief everywhere, and there was a easing of the lockdown. So by September, October, again the numbers started rising, and November there was a partial lockdown, but what they noticed is that by November, December the numbers were not going down in spite of the lockdown, and that now we know is because of the new variant which came through, the Kent variant. And the numbers reached like a massive peak of 60,000 infections per day, which is many times the first peak. And the number of deaths in the second peak were almost twice as well, 100,000 as compared to the 50,000 in the first peak.
So definitely it was much more deadly, the first peak, as compared to the second. But by December, the vaccination started, and 8 December 2020 was the first vaccination in the world, actually, which happened in the UK. And then now we are predicting that by August, the vast majority of the population, adult population, will be vaccinated. So over 75% people will be protected by either vaccination or by previous infection. So there is a talk about the third wave as well, but it is likely to be less severe because of infections, transmission being less because of the vaccination as well. But there is obviously a concern with the new variants from around the world, Brazil, South Africa, and now Indian variant. So far, we think the government thinks that the vaccines, current vaccines, are protective against these strains. And so in summary, by summer, we think that 25% of the population will be still susceptible, and which is mainly young people who have not been vaccinated, people who have not had the vaccination, or if there is a decline in the immunity, or if the strains surpass or bypass the immunity. So that is the concern. One of the things which I have noticed, which is very high mortality in the UK, and I personally feel that the messaging from the government has been very mixed, because they were saying that you stay at home, don't come to the hospital, and you, when you get in trouble, then you call the helpline. Now, I personally feel, now we know that when you do that, and then you are helped, when you have symptoms which are severe, then you already are in a very late stage. So people were presenting, in my opinion, very late. And Arjun probably will answer that. What did he find in the emergency department, whether the patients were coming at very late, or should we have done better by giving better education to the people in the, that they should present earlier and monitor their oxygen, which was not happening here in UK at all. या सौरभ, तो आपने हमें बताया कि दोनों वेव्स में सेकंड वेव जो है वो ज़्यादा डेडली थी, और सरकार की तरफ भी आपने उनके जो मैसेजिंग है उसमें भी थोड़ा सा हमें इशारा किया. इनफैक्ट सरकारें तो हर देश की, वो उनके लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है. अर्जुन, वेलकम वेलकम ऑन द शो. And I'm sure you must have had a tough time dealing in the second wave as well as in the first wave, because, you know, when we say the doctors are the frontliners, you are even in the front of the frontliners, right? How difficult was it to manage the second wave as compared to the first wave? And what are the lessons learned? Arjun, we are not able to hear you. Unmute karna hoga. Dr. Arjun, you will have to please unmute yourself. चलिए, मैं आपके पास, अर्जुन मैं आपके पास वापस आता हूं, तब तक आपका ये माइक की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. हार्दिक, एक बात बताइए कि आप अहमदाबाद से हैं, और अहमदाबाद इस समय उन कुछ चुनिंदा शहरों में है जहां पे कि म्यूकोरमाइकोसिस का बहुत ज्यादा जोर है. एक बात बताइए कि पहली वेव और सेकेंड वेव, इन दोनों के बीच में आपका ENT पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, खासतौर पर म्यूकोरमाइकोसिस के हिसाब से देखें, तो आपका क्या अनुभव रहा है? फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में नंबर ऑफ केसेस भी काफी कम थे म्यूकोरमाइकोसिस, और एज पर कोविड केसेस भी उतने नहीं थे जितने सेकंड वेव में ज्यादा है. सो नंबर ऑफ कोविड केस बढ़े हैं, इसलिए नंबर ऑफ म्यूकर केस भी डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं. सेकंड स्टेज, सेकंड वेव में अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है, यानी कि कोविड होने के लगभग 10 दिन में ही या 15 मैक्स टू मैक्स 12-15 दिन में ही पेशेंट्स म्यूकर के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं हमारे यहाँ पे. लेट टू लेट 1.5 मंथ तक भी हो रहा है, बट स्टिल फर्स्ट वेव में काफ़ी लेट स्टेज था प्रेजेंटेशन में, उतना जल्दी प्रेजेंट नहीं हो रहे थे. सेकेंड वेव दिन 1 वीक या 2 वीक्स में म्यूकर के सिम्टम्स देखने शुरू हो गए. दूसरा है कि रैपिडिटी ऑफ स्प्रेड, यानी कि पहली वेव में आइस बॉल और इंट्राक्रेनियल स्प्रेड काफ़ी कम था,
कंपेरेटिव टू इट इज लिमिटेड टू साइनो नेजल ओनली. सेकेंड वेव में इट इज मोर एक्सटेंसिव अग्रेसिव, इट इज मोर रैपिडली स्प्रेडिंग टू द आइस बॉल एंड ऑल्सो इन टू इंट्राक्रेनियल. सो दैट इज द मेन डिफरेंस वॉट आई फील. One is the number of cases and second is the how rapidly or aggressively it present. जी, तो मतलब सिर्फ कोरोना ही ज्यादा घातक नहीं है इस बार, उसके साथ आने वाली बीमारियां भी उतनी ही घातक हैं या शायद उससे ज्यादा घातक हैं. तो ये तो एक तरह की दोहरी मार हो गई है मरीजों के ऊपर. Yes. अर्जुन आर यू देयर? I think there's some issue with Arjun. Trying to log with the phone. Yeah, no problem. डॉक्टर आशीष, इससे पहले कि आप अगले सवालों की ओर बढ़े, विशेषज्ञों के पास बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है वो बेचैन भी हो रहे हैं. राज सिंह जी हैं यूट्यूब पर और वो लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, शायद उन्होंने 10 बार इस क्वेश्चन को पोस्ट किया, तो बहुत डेस्परेट हैं. तो क्योंकि आप दो लोग हैं जो सीधे सीधे सवाल से जुड़े हुए हैं, आप भी और डॉक्टर रिचा जो वेल्लोर से जुड़ी, वो भी वो ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे टीबी है तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूं. तो मैंने सोचा कि इनकी जिज्ञासा कर, अगर मुझे टीबी है तो भी क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ. राज सिंह जी, आपके सवाल का जवाब आ रहा है और वो भी विशेषज्ञों से. जी डॉक्टर विचार. राज सिंह जी, बिल्कुल टीबी है, दवाया खाते हुए आप सेफली वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज लगवा लीजिए. डॉक्टर आशीष, आप कुछ ऐड करेंगे? So Arjun, you were describing about your lessons learned in the second wave. So can you briefly enumerate those? Yeah, thank you, Ashish. So as I was saying, I agree with Richa in a way that the first wave, what we noticed was the older population, the frail patients coming to us were more affected. But what we noticed in the second wave was a wider distribution across the age groups. You know, younger adults, even in children, we have seen being affected by COVID. As I was mentioning, especially in regards to UK, because of, you know, after the first wave settled, we went back to traveling and there was a lot of mixing. Also, there were new emerging variants, I think South African variant and the Brazilian variant. So it seemed to have actually ended up infecting more people. The other thing I was mentioning was the pressures on the service as such. With the first wave, what the message across was to the population that please stay home. You know, come to the hospital only if you are really unwell. And people were generally worried about COVID. Whereas, jab tak hamara second wave aaya, we were all worried. You know, people had just started hitting normalcy. So they were coming even for normal problems. So we saw bahut delayed presentations. Which people possibly for heart attack, yeah, sepsis related, they didn't turn up to the A&Es before, they have started presenting to us. So second wave, I think we definitely saw COVID related as well as non-COVID related. And so, you know, we had definitely immense pressure on our A&Es in the UK. Yeah, I can understand you. बट दीपक, हमारे पास दो पर्सपेक्टिव हैं, एक यूके से आया है और एक डॉक्टर रिचा ने कहा कि यंगर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा अफेक्ट हुई है इसमें. तो क्या ये यूके वेरिएंट ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया या हिंदुस्तानी वेरिएंट जो है वो उसने जाके यूके पे कब्जा किया, चूंकि हम दोनों के सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं? व्हाट डू यू As an epidemiologist, have to say this. You know, ये बिल्कुल मुर्गी और अंडा वाली बात कर रहे हो आशीष कि किससे क्या हुआ. सही बात है. Yes, observations similar हैं, इसलिए कोई epidemiological conclusion निकालने की आवश्यकता यहाँ नहीं है. मुख्य बात यही है कि इस बार यंग लोगों को ज्यादा हम लोगों ने खोया भी है और उन लोगों को इन्फेक्शन भी ज्यादा हुआ. जी जी. तो अब एक ट्रीटमेंट, नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं हम, एक ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उसमें कुछ जनरल ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में आएंगे और फिर हार्दिक हमें बताएंगे अबाउट द सर्जरी इन द म्यूकोरमाइकोसिस ऑल्सो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. डॉक्टर रिचा, वॉट इन जनरल वुड बी योर ट्रीटमेंट गाइडलाइन, अगर हम उसको माइल्ड मॉडरेट सीवियर में अगर हम करें तो, चूंकि ये इसमें दर्शक जो है हमारे जो आम जनता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आम जनता के लिए कि आपके ट्रीटमेंट
कि स्ट्रेटेजी क्या रहती है. राइट, थैंक यू डॉक्टर आशी. तो बेसिकली हम जैसे हम बोल रहे हैं 85% पेशेंट्स जो होंगे वो माइल्ड डिजीज के साथ होंगे और वो आराम से निकल जाएंगे. 5% पेशेंट ऐसे रहेंगे जिनको थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर डिजीज हो सकता है और हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं. तो अगर हम इनको तीन कैटेगरी में बांटना चाहें, माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज और सीवियर डिजीज, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होगा इनके इनको मैनेज करने के लिए. जब हम माइल्ड डिजीज कहते हैं तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ है और उनको एक या दो सिम्टम्स या फिर दो तीन सिम्टम्स भी हो सकते हैं. बुखार हो सकता है, खांसी हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, है ना, या फिर कोई सिर्फ एक ही सिम्टम हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, कुछ भी हो सकता है. पर अदरवाइज उन्हें सांस की समस्या नहीं है. अगर मोटे मोटे तौर पे हम दर्शकों के लिए बात कर रहे हैं, उन्हें सांस की समस्या नहीं है. उनका जो रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं हम, वो 24 से ज्यादा है और घर पे वो सैचुरेशन चेक और अगर सैचुरेशन देख रहे हैं तो सैचुरेशन भी 94 के ऊपर है. तो ये एक माइल्ड कैटेगरी वाले पेशेंट्स आएंगे. ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है. इनको घर पे रहना है और घर पे रहकर अपना इलाज या अपने अपना ध्यान रखना है. सबसे पहले तो आपको आइसोलेट हो जाना है एक कमरे में, आपको दूसरे घर के किसी और लोगों से नहीं मिलना है. दूसरी चीज है आपको अपना सैचुरेशन दिन में कम से कम 4 बार चेक करना है. तीसरी बार आपको फीवर आ रहा है तो एक पैरासिटामोल का टैबलेट है वो आप ले सकते हैं. बदन दर्द है तो आप पैरासिटामोल के साथ में कॉम्बिनेशन आप दोनों टैबलेट भी ले सकते हो. तो ये मोटा मोटी है. खान पीन का अच्छा ध्यान रखें और अच्छा पानी पिए, अपने आपको वेल हाइड्रेटेड रखें. डरने की बात नहीं है. 6-10 दिन आपको आइसोलेट रहना पड़ेगा नई गाइडलाइंस के हिसाब से, उसके बाद आप आराम से बाहर आ सकते हैं. मॉडरेट डिजीज जो होती है, जब हम पेशेंट की बात कर रहे हैं मॉडरेट डिजीज, वो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के सिम्टम्स हैं और उनको खांसी या सांस में भी थोड़ी बहुत हो सकता है तकलीफ हो, या फिर उनके एक्सरे में निमोनिया या फिर लंग्स इन्वॉल्व है, उनको हम मॉडरेट डिजीज में लाते हैं. इन पेशेंट्स में सांस जो रेस्पिरेटरी रेट होता है हमारा वो 24 से थोड़ा ज्यादा है लेकिन 30 से कम है. ये एक क्राइटेरिया है उनको पेशेंट्स की सीवियरिटी को बांटने के लिए, ठीक है. तो वो उसमें, पर उनका सैचुरेशन 94 से कम हो रहा है लेकिन 90 तक रह रहा है, तो 90 और 93 के बीच में रह रहा है, उससे कम नहीं हो रहा है, तो ये मॉडरेट उसमें आ जाएंगे. ये वाले पेशेंट्स को घर में रह के मैनेज किया जा सकता है. ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर वो डॉक्टर की निगरानी में अपना मैनेजमेंट चलाएं, उनका ऑक्सीजन अगेन उनको सेम चीजों का ध्यान है. कोई पर्टिकुलर दवाई लेने की जरूरत नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है पैरासिटामोल दोनों टैबलेट्स के साथ में. इसके अलावा अगर उनका सैचुरेशन कम हो रहा है 94% और उनका रेस्पिरेट बढ़ रहा है तो उन्हें डॉक्टर की निगरानी में या तो हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए बेटर मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि वो हो सकता है वो वर्सन हो जाए. और उस केस में जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो शायद डॉक्टर उनको स्टेरॉइड टैबलेट शुरू करेंगे. कुछ केसेस में अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और बढ़ रहा है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ऐड कर सकते हैं. लेकिन ये पूरा डॉक्टर के आपका पूरी अच्छी तरह से आपको देखने के बाद, आपकी क्लिनिकल कंडीशन को असेस करने के बाद ही ये सब कुछ डिसाइड करेंगे. तीसरा जो होता है वो सीवियरिटी, जो सीवियर डिजीज है जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन सर्च में कम है, 90% से कम हो रही है, आपको सांस की तकलीफ हो रही है या फिर आपको निमोनिया है, आपके एक्सरे में सीटी स्कैन में अगर आप करवाया है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 30 से ज्यादा ऊपर है, सर्टेनली यू हैव टू बी, आपको हॉस्पिटलाइज होना ही चाहिए. ना कि आपका सैचुरेशन कम हुआ, मैं आपसे बोलूंगी कि ज्यादा अच्छा है आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ level 1 या level 2 डिपेंडिंग ऑन आपकी सीवियरिटी का है. तो जब आप सीवियर डिजीज में आते हो अगेन, क्योंकि आपकी लो ऑक्सीजनेशन है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो स्टेरॉइड इज वन थिंग which has proven that it is beneficial for this group of patients. So steroids denge aapke doctor sahab, fir aapko again remdesivir plus minus aapki clinical condition dekhte hue doctor start karenge. Ek aur drug hai jise hum tocilizumab bol rahe hain, jiski kisi kami ho rahi hai, wo bhi log
शायद अगर हम देखें तो हमारे देश में क्या हो जाता है, हम जब कोई भी एक दवा के बारे में बात करते हैं लोग सोचने लगते हैं ये रामबाण दवा है। कुछ पेशेंट्स ने मुझसे ये कहा कि रेमडेसिविर इज रामबाण, इट इम्प्रूव, जबकि हमारे पास इतना साइंटिफिक डेटा है, इतना इकट्ठा हो गया है कि हम बता पा रहे हैं कि रेमडेसिविर इज नॉट ए रामबाण, इट इज कंडीशनल रिकमेंडेशन है उसे यूज करने के लिए। सुनाब जो है उसका भी एक पर्टिकुलर, कुछ केसेस में सारे पेशेंट्स को हम यूज नहीं कर सकते। पहली चीज, हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन या कोई एक्टिव इन्फेक्शन अदर देन कोविड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो कि एडमिट हैं और वो रैपिडली डिटोरेट कर रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन पे या फिर एनआईवी पे या फिर हाई फ्लो नेजल कैनुला पे, उन पेशेंट्स को टोसिलीजुमाब दिया जा सकता है डॉक्टर के डिसीजन पे, बट प्रेफरेबली 24 टू 48 आवर्स के अंदर अंदर जब वो डिटेरेट हो गए। दूसरा ग्रुप है जिनको, जो आईसीयू में नहीं है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आईसीयू में नहीं है, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अगर लगातार बढ़ रही है और जरूरत पड़ रही है कि उन्हें अब एनआईवी पे रखा जाए या फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन पे दिया जाए, उनके कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि सीआरपी कुछ 75 या 100 से ज्यादा है, कुछ लोग 100 यूज करते हैं, कुछ लोग 75 यूज करते हैं, उस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को भी टोसिलीजुमाब दिया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी दवाइयां हैं या फिर और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलेगा सीवियर और मॉडरेट डिजीज, इसके अलावा जो भी दवाइयां हैं या फिर उनका कोई क्लिनिकल बेनिफिट जितने भी हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है नहीं देखा गया है, तो मोटा मोटी ये हमारा ट्रीटमेंट प्लान रहता है पेशेंट्स के लिए। जी बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज यही ट्रीटमेंट प्लान यहाँ पे दिल्ली में भी चल रहा है। हालांकि प्रेशर पेशेंट्स की तरफ से ज्यादा आ रहा है रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब के लिए। कुछ और दवाइयां हैं उसके बारे में मैं आपके पास और सौरभ के पास वापस आऊंगा, बट लेट मी हैव अ इनसाइट इनटू अ यूके पर्सपेक्टिव। अर्जुन, व्हेन यू आर डीलिंग विद ईआर पेशेंट्स, व्हाट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दैट यू आर गोइंग फॉर? Thank you, Ashi. So we had actually established a really specific triage tools for identifying patients. As I said, with our specific to the patients coming to emergency department here, we had them, if you present, let's say a patient presents with any of the symptoms, you know, fever of more than 38 degrees centigrade or cough, which is new, then we added symptoms of anosmia, diarrhea was added. So those were getting picked up at triage, and we had specific area, you know, for example, isolation room, jahan pe we'll be managing these patients. And then looking at their observations, what we follow in the UK is the national early warning scores based on heart rate, respiratory rate, saturations. And so it was, we were targeting what's the new score of the patient, calculated on that, what are their saturations. And depending on that, we had highlighted, you know, high risk, intermediate risk, or low risk. Now, with the low risk patients, these were patients, for example, jinke saturations would be more than 94% on air. And we would do examine them, you know, chest X-ray, do the blood test, which is C-reactive protein we have mentioned. There was also a point about lymphocyte count being low. These patients were definitely getting swabbed. And we have done a very big thing about doing, especially at the emergency departments, was inki testing jaldi ho. So we would get a result immediately, which is we were doing a lateral flow test and also sending another swab to the lab to get it confirmed. Now, agar inko hume lag raha hai ki, you know, they are not sounding very unwell, we can send them home. But again, we had a strict criteria on that. जैसे अगर इफ दे आर फ्रेल ओवर अ सर्टेन एज, जैसे 60, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, यू नो दे हैव अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज लाइक डायबिटीज, कैंसर, मैलिग्नेंसी, सो दीज पॉपुलेशंस अगेन वी वर बिकॉज मॉनिटरिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वी वुड एडवाइस फॉर एन एडमिशन. द अदर थिंग आई वॉन्टेड टू हाईलाइट वॉज वॉट वी डिड वॉज लुकिंग एट देयर सैचुरेशंस ऑन एक्सर्शन. सो इट वॉज ईदर सिट टू स्टैंड और अ 40 स्टेप desaturation test. Agar isme they were dropping their saturations more than 3%, you know, we said more than 94% is fine, but agar usme significant drop ho raha tha, then we would admit them again. So
And then for the follow-up, what we were doing is these are the patients we have said, fine, they have mild severity of disease, they can be discharged. But there was again a follow-up service set up, where nurse callers were checking on them every day, their symptoms. Especially we had established day 7 to day 10, but again, there's a deterioration of symptoms. And this is where we want to make sure that they are actually admitted. They don't come back very hypoxic, needing then higher level of care, most likely invasive ventilation. So we were looking at that, establishing that pathway. With the severity, if they were on the high risk, these are the ones we are talking about. You know, we were only looking at invasive ventilation, which is intubations, but then we established non-invasive ventilation also, and they were maintained on that. From emergency medicine perspective, there were very strict national guidance published about the use of steroids, the way Dr. Richa Gupta has mentioned, and we had to follow that protocol. So it was not depending on, you know, mujhe de do steroids and I'm going to give it. It's not at all like that. It depends. So for example, with steroids, there are clear indications. It's for adult hospitalized patients only. And then who are needing oxygen. So there is a requirement because their severity of their disease goes up. And if so, then within 10 days of the symptom onset. And if you are giving it, if they recover 3 days, is fine. That's a short course. Some asthma, COPD patients could be there, then you can stop it. But if, you know, we say that the patients are not improving or still showing signs or slow signs of recovery, then we would complete that course of steroids for about 10 days. And our choice was dexamethasone because your oral tablet, they sit there, and if you're admitted, you give IV. So I think what I would say from a UK perspective is because it was very national guidance, it was, I guess, there was a way that you had to follow that. From emergency departments, we were not starting anyone on remdesivir or any of the immunosuppressive agent because these are the patients you know will be admitted in ICU, will be requiring that high level of care. And so then, and again, there's again very strict inclusion-exclusion criteria to start starting, for example, remdesivir. And again, I agree with Dr. Richa Gupta that, you know, our studies have shown it's not a wonder drug. You know, yep. It is totally on a case-to-case basis, really, and overall. Yeah, probably UK is a small country in respect to, you know, if you compare it with India, then definitely, you know, it is much more manageable, unlike in India. But two things jo aapke pure discussion mein aayi hain, main aam janta ke liye bata dun, aur usme sabse pehli cheez to ye hai ki pehle 7-8 din jab tak viral replication phase chal raha hai, तब तक हमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उससे मेरे ख्याल से प्रोग्नोसिस भी खराब होती है। और वो कुछ चुनिंदा पेशेंट्स हैं जिनका कि ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है, वो उन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा भी अनुभव रहा है और यही आपने भी बोला है। बट चूंकि हम आम जनता के बारे में बात कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो मैं आम जनता को देना चाहता हूँ, और वो है पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। एक चीज अर्जुन ने भी बोली, उसका भी मैं अनुवाद कर दूंगा यहाँ पर। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं तो तकरीबन 40 से 45 सेकंड तक आप वेट करेंगे। कई पल्स ऑक्सीमीटर नीचे से रीडिंग ऊपर लेके जाते हैं और कुछ पल्स ऑक्सीमीटर ऊपर से नीचे रीडिंग लेके जाते हैं। जब वो रीडिंग स्टेबलाइज हो जाएगी तब वो आपकी रीडिंग है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने मरीजों को भी कई बार बोलता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो रीडिंग आप नोट करके उसको कागज पे लिखें, ताकि हमारे पास 1-2 दिन में 3 दिन में हमारे पास एक ट्रेंड आ जाएगा, जिससे कि हम उसका और अच्छी तरीके से आकलन कर सकते हैं। एक चीज तो यह है, और दूसरी चीज जो अर्जुन ने भी बोली है वो यह है कि सबसे बढ़िया, उससे भी अच्छा सेंसिटिव इंडिकेटर यह है कि हम ऑक्सीजन सैचुरेशन नापें, वही 45 सेकंड रुकें, रीडिंग्स को स्टेबलाइज होने दें, और उसके बाद जो यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है अर्जुन, वो है 6 मिनट की वॉक, 6 मिनट वॉक्स, दिस इज वॉट वी आर प्रैक्टिसिंग हियर। तो 6 मिनट तक वॉक करें अपने कमरे में जहां पर आप आइसोलेटेड हैं, और उसके बाद वापस से उसको रीडिंग नोट करें। अगर 3 पॉइंट से ड्रॉप कर रहा है वो, भले वो नॉर्मल से नॉर्मल में जा रहा है, 98 से 95 में जा रहा है, बोथ ऑफ विच आर नॉर्मल, तब भी आपकी आगे आने वाले समय में परेशानी की संभावना है। तो ये तो रही कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, बट कुछ और नए भी दवाइयां आई हैं, और सौरभ मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा वहां यूके में, और इनफैक्ट आप जैसे मैंने कहा कि आप हिंदुस्तान को भी बहुत ही कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे, अबाउट अ ड्रग विच इज मिथिलिन ब्लू, जो
जो कि कम से कम मेरी प्रैक्टिस में मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, आपका क्या विचार है उस पे, एक आधे मिनट के में आप हमें बताएंगे? थैंक यू आशीष. सो आशीष, मिथिलीन ब्लू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रग. इट्स अ डाई एंड ए ड्रग. It's discovered in 1837, so one of the oldest antimicrobial known to man before any other like penicillin or anything else. So it has a strong virucidal activity, jo virus ko marta hai, jo ki lab mein prove ho chuka hai. It's also very cheap, so you know, few rupees per day you can treat, and it's a essential drug on the WHO list. So all emergency medicine departments have to have it because of its role in methemoglobinemia, right? Cyanide poisoning, methane poisoning, methane. So jahan pe bhi हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजनेशन की जरूरत है इन बीमारियों में, मीथेमोग्लोबिन सिमिलर टू कोविड पॉइजनिंग, कोविड बीमारी जिसमें कि ऑक्सीजन का साइलेंट हाइपोक्सिया होता है, वेयर यू डोंट नो योर ऑक्सीजन इज लेस, यू डोंट बिकम ब्रेथलेस. इट हैज सेवरल सिमिलर फीचर्स. इट इज ऑल्सो द मदर ऑफ क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन. इट वर्क्स इन डिफरेंट वेज. इट किल्स द वायरस, इट प्रोवाइड ऑक्सीजनेशन, इट हैज सेकेंडरी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी कोएगुलेशन प्रॉपर्टीज. The problem we have is there are only few trials, one trial in Switzerland, one trial in Iran, which have come out with phase one, phase two results and some phase three results. But we need larger trials to study this drug and this role in the COVID treatment. Dr. Gawalkar in Bhavnagar has been using this since the start of the pandemic. He's a pulmonologist in Bhavnagar and he has treated thousands of patients, and similarly other patients have been treated in various parts of the country as well. So he's really positive about this. But what we need is trials. So I've been discussing with Deep and he's doing a case control study. So it can be obtained as a powder, as a injection from a pharmacy or in biology labs or in chemistry labs. So this is to be diluted to 0.1%. It can be used orally, it can be used by inhalation. So we have treated several family members very successfully. Some people who were given, like, you know, that there is no hope left, and you know, they have survived, and a lot of people have also been prevented from going that way with even 50% or more lung involvement. So for personally, I feel there is a role, but we need more studies on this and you know, and obviously people to be able to use it, and because it's cheap drug, and you know, it has no side effects in use in COVID. So that's my personal experience, but we need more studies. Dr. Richa, aapka kya vichar hai iske bare mein, methylene blue ke bare mein? So, Dr. Ashish, I would add, I have no experience with methylene blue at all. Or, जैसे डॉक्टर सौरभ ने भी बताया कि हमें स्टडीज की जरूरत है. जो सबसे पहले शायद कोई एक स्टडी आई, उसमें उन्होंने 25 पेशेंट्स को लेके यू नो कंट्रोल करके देखा. उसमें जो 25 पेशेंट्स होते हैं, 5 पेशेंट्स को उन्होंने मेथिलिन ब्लू दिया, जिसमें से 4 लोगों को इम्प्रूवमेंट हो गया. आई एम नॉट एबल टू कोट द स्टडी, बट दैट वॉज इट. सो आउट ऑफ 5-4, यू नो इट्स अ बिग नंबर इफ यू लुक एट दैट वे, बट स्टैटिस्टिकली अगर हम नंबर को गिनने जाएंगे तो सिर्फ 5 ही पेशेंट थे. तो आई हैव नो एक्सपीरियंस एंड नीदर एनीवन इन आर इंस्टीट्यूट वी आर नॉट यूजिंग. सो वी डू हैव वी डू यूज ऑल द मेडिकेशंस, या जो भी कुछ गाइडलाइंस हम बना रहे हैं वो सिर्फ एविडेंस बेस्ड बना रहे हैं. बट एंड इफ इट कम्स, इफ वी हैव गुड ट्रायल्स टू प्रूव दैट, बट यस सर्टेनली वी नीड मोर ट्रायल्स. एंड of large number of patients and that showed good results, but as you say, we need more studies. I mean, बहुत सारा क्या हो रहा है ना इस बार वेव में, the whole family is, you know, involved. पूरा का पूरा family infect हो जा रहा है, and there have been almost 75% deaths in a family. ऐसा हो रहा है. तो जैसे डॉक्टर सौरभ ने बोला कि कुछ नहीं है तो कुछ दिया. वो I do not propagate the use of methylene blue, but if some people have any anecdote, you know, experience with it, then maybe you can try. Yes, I don't know. दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ऋचा जी, मैं आपके साथ ही रहूंगा. दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई आई है, डीआरडीओ की जो दवाई आई है, डीआरडीओ की जो ड्रग आई है, उसके बारे में आप हमें 30 सेकंड में कुछ बताएं. Right, I will put my mouth shut for that. Simple. We don't have the data on board. अगर हम इतने कॉन्फिडेंट है किसी भी दवाई के लिए तो उसका डेटा प्लीज आप पब्लिश कीजिए. लेट अस सी, लेट द साइंटिफिक कमिटी सी, लेट द साइंटिफिक पीपल सी टू इट दैट इट इज गुड एंड वी विल यूज इट. सो गुड गुड गुड. दीपक, डीआरडीओ की दवाई के बारे में आपका क्या विचार है?
जो डॉक्टर रिचा ने बोला कि there is some evidence to prove it. हाँ, एक जरूर evidence मुझे मिला है जो WhatsApp University से निकल के आया है और किसी एक अहमदाबाद के बंदे का 30 सेकंड का वीडियो है, नॉट वीडियो, एक ऑडियो है, जो एक क्लेम करता है कि इमीडिएटली 30% से 70% तक ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया. पर ये बेसिकली फ्लॉड है पूरा, क्योंकि ये जो डीआरडीओ की दवा जो आई थी वो उन्होंने पहले ही बोला था इट इज वेरुसिडल, इट हैज नथिंग टू डू विद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. तो वो जो वीडियो है मुझे उसी पर थोड़ा सा डिबेट हो जाता है. पर हाँ आशीष, हम लोग इस पर एक सिस्टमैटिक रिव्यू करने की कोशिश कर रहे थे. तो ये जो ड्रग है ये कोई आज की ड्रग नहीं है, इसका पहला पब्लिश आर्टिकल 1959 का है. सो यू नो, लेट्स बी मोर क्लियर कि ये ऑफ लेबल और डिफरेंशियल यूज के लिए ड्रग है, क्या है. तो ऐसा नहीं है कि ये भी कोई एक संजीवनी बूटी है जैसा कि बताया जा रहा है. पर जैसे मैडम ने बोला, सौरभ ने बोला, मैं भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को मानता हूं. जब तक एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट मुझे एविडेंस नहीं मिलेगा, भले ना गलत हो, पर जब तक कोई वो एविडेंस जनरेट नहीं करेगा तब तक लार्जली हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू ही सब कुछ सुनते रहेंगे. जी जी जी. तो अब मेरे ख्याल से हम अपने अंतिम चरण पे हैं. मेरे ख्याल से अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम थोड़ी देर बात कर लें, और वो है म्यूकोरमाइकोसिस. दीपक, मैं आप ही के साथ रहूंगा. एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस का ट्रेंड है फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में, वो हमें आप कुछ बता पाएंगे? अब वेरी ट्रू, मेरे से ज्यादा डॉक्टर हार्दिक बताएंगे जिनको मैं जानता हूं. बट एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट मेरा पहला टेक ये होगा कि म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस तेजी से बढ़े हैं. एंड इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ केसेस, ICMR ने भी अपनी रजिस्ट्री शुरू कर दी है, स्टेट्स ने भी अपनी रजिस्ट्री शुरू करी है, और थाउजेंड्स में केसेस आने लग गए हैं. ये बताना बड़ा मुश्किल है कि क्यों आ रहे हैं. चार या पांच हाइपोथेसिस एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग जनरेट करते हैं, मैंने भी की है. पहली हाइपोथेसिस जो शायद आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, शायद ये हो सकता है कि स्टेरॉइड का यूज जिसके कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हुई. एक हाइपोथेसिस जो काफी तेजी से निकल के आई थी वो शायद जो इंटेंसिविस्ट हैं डॉक्टर अर्जुन जैसे वो शायद बता पाए कि जो ह्यूमिडिफायर हम लोग यूज करते हैं और ह्यूमिडिफायर के अंदर शायद फंगस हो. एक और हाइपोथेसिस चौथी जो निकल के आई है वो निकल के आई है कि इतने सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज किया है जिसके कारण ओवरऑल इम्यूनिटी कम हुई, और शायद ये हो. पांचवी आज जो मैंने सुनी है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग, कि जिन लोगों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लगा था देयर इज अ हायर इंसिडेंस ऑफ म्यूकोर अमंग्स दोस केसेस. तो हम लोग इस वक्त एक केस कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ पेशेंट्स जिनको म्यूकोर हुआ है और कुछ पेशेंट्स जिनको म्यूकोर नहीं हुआ है, और उन लोगों का रिस्क फैक्टर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो डॉक्टर आशीष, जिस वक्त हम चाय पे मिलेंगे ना तो शायद मैं आपको रिजल्ट्स बता पाऊंगा. चलिए, बहुत अच्छी बात है. तो हम उस चाय का इंतजार करेंगे. तब तक हो सकता है कि कोरोना के साथ साथ ये म्यूकोर की लहर भी खत्म हो जाए. मैं इंटरप्ट जरूर कर रहा हूँ डॉक्टर आशीष, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सब पत्रकार भी, क्योंकि मैं आज दिन भर कुछ और डिबेट्स भी सुन रहा था, और अपनी इस लाइव के लिए मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने देखा कि एक डॉक्टर हैं जो एक अन्य जगह पे लाइव में कह रहे थे कि ये सारी बात गलत है कि वो ह्यूमिडिफायर से हो गया. दूसरे डॉक्टर, मतलब ये जो कैसे फैल रही है ब्लैक फंगस, उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसा कि बता रहे थे अभी डॉक्टर दीपक. और लोग भी हमसे यही सवाल पूछ रहे हैं, अभी सारे लाइव पे लगातार सवाल आ रहे हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और मैं चाहूंगा कि आप सारे विशेषज्ञ इसमें जो भी आपके पास तथ्य हैं उसके हिसाब से उस शंकाओं का समाधान करें. अब लोग ऑक्सीजन लगाने से डरने लग गए, या ऑक्सीजन के पानी को बार बार बदल रहे हैं, या चेक कर रहे हैं. जी, जब तक हमारे पास सही जवाब नहीं आएंगे जयदीप, जब तक हमारे पास सही डेटा नहीं आएगा, और जिसके ऊपर की आई एम श्योर दीपक जैसे एपिडेमियोलॉजिस्ट और डॉक्टर रिचा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के लोग काम कर रहे हैं, जब तक हमारे पास वो जवाब नहीं आएंगे तब तक ये कोहरा, ये कुहासा बना रहेगा. इसको छटने में अभी देर है. तब तक सारी सावधानियां जो भी हमारे से हो सकती हैं उनको बरतने में कोई एतराज नहीं है, मैं ये समझता हूँ. जैसे आपने अभी बहुत बहुत दिलचस्प डिस्कशन किया मिथिलीन ब्लू के आसपास, जिसको लेके अवेयरनेस ही नहीं है अभी बहुत ज्यादा, तो लोग हमारे पे टाइमलाइन पे आके जो सवाल पूछ रहे थे वो 2DG को लेके, तो अच्छा ही हुआ आपने. तो उनको डीआरडीओ की ड्रग, चूंकि उसको एक वंडर ड्रग के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया गया है, और मीडिया में भी हम सभी ने उसको जिस तरीके से हमें बताया गया हमने भी उसको प्रचारित किया, अब लोगों को लग रहा है ये कोई ऐसा रामबाण आ गया है जो खाते से ही कोविड गायब. जयदीप, मेरे ख्याल से इस दौरान डॉक्टर रिचा ने भी बोला और सौरभ ने भी बोला कि डूबते को तिनके का सहारा,
ये वो वाली कहावत है, क्योंकि चूंकि हमारे पास कोई भी एक दवा नहीं है, कोई भी रामबाण दवा है ही नहीं इसकी, तो जो हाथ में पड़ रहा है हम उसी को भगवान बना देते हैं। ये कार्यक्रम शुरू हुआ था HCQS से, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, जब पूरे विश्व में उसको ऐसे बता दिया जैसे इस दवाई से ही सब हो जाएगा। हाँ, फिर वो उसके बाद धीरे धीरे उसका फेस चला गया, फिर रेमडेसिविर आई, उसका फेस चला गया, तो ये सब आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। इन इन कहानियों की भी अपनी एक पीक आ रही है और उनका भी उतार हो रहा है, इनकी भी एक लहर है। अर्जुन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन यूके विद म्यूकोर, एंड देन फाइनली यू नो आई विल कम टू हार्दिक। Thank you, Ashish. To be honest, I haven't had any cases at all in the UK that's been reported. It's basically currently what we've seen, the data is all from India. And we don't know whether it is because of the variant. I'm not very sure. It seems to me, at least that's what we said, is it's opportunistic infection. The fungus does exist naturally. It is the status of the body, you know, with the immunocompromised status. You're using anti-inflammatory medications, you're using immunosuppressive medications. I guess what I could say is, if you're only using it under strict criteria for this very severe COVID cases, you know, there is a way you can monitor this. But if everyone started to use these medications like steroids and, you know, immunosuppressants, then you will end up having opportunistic infections. That's what we have read from our medical data, even before, you know, diabetes, cancer patients, the ones on immunosuppressants for the autoimmune conditions, these are the patients who end up having the opportunistic infection like mucor. So, I mean, that's what I would say. Currently from the UK, I don't have any data. So, Ashish, I agree with that. I asked my department as well, and we have not seen any cases, although in our hospital, we had the highest number of admissions at like 500 patients at a time, but no cases were seen. So I think in some ways, we don't know, but it's like, it seems like it's an iatrogenic disease. We may have created it ourselves by giving medicines which are not required at the right time and prolonging the use of steroids and, you know, giving things which are not required. So that is a possibility, but obviously, you know, so that is a very sad part of it, actually, if we are creating another epidemic of things which is actually much more dangerous. So I think that is something we need to address among the physicians as to how we know. I'm seeing people started on steroid on day one, they're continuing for a month afterwards, they have been discharged, and that is completely wrong. And people have diabetes, their sugar is going high. So I think that is the main reason. But yes, unless we know more details, we cannot say for sure. Dr. I'm really sorry to interrupt you, but as we listen to Dr. Saurabh and Dr. Arjun, their experience from NHS, I would add, see, there is some similarity. I'm just trying to correlate between CMC as well. So CMC mein hamare paas daily ke kareeb 900 plus patients hain jo rehte hain, plus 1000 patients around. और अगर मैं पिछले साल से लेकर अब तक की बात करूं तो हमारे पास हार्डली 3 या 4 पेशेंट्स हैं म्यूकर माइकोसिस के, जो भी राइनो ऑर्बिटल वाले ही थे, राइट, नॉट गॉन इनटू द सेरेब्रल पार्ट ऑफ इट, एंड दे गॉट ट्रीटेड, एंड दीज वर द पेशेंट्स जो दूसरे हॉस्पिटल से हमारे पास रेफर होकर आए थे। अगर मैं सिमिलैरिटी थोड़ा सा भी देखना चाहूं, आई एम नॉट बोस्टिंग, बट अगर मैं थोड़ा सा भी सिमिलैरिटी देखना चाहूं, तो NHS हैज वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरियन एंड दे गो बाय द रिकमेंडेशंस और जो उनकी गाइडलाइंस है, दे डू नॉट डेविएट इधर से उधर। कोई भी दवाई, जैसे डॉक्टर अर्जुन ने बताया, कोई आके मुझसे बोलेगा स्टेरॉइड देने के लिए, आई कांट गिव, राइट? सो दे स्टिक to the guidelines, and similar at CMC also we stick to the guidelines. कुछ भी deviation नहीं है, जो हमने CMC में recommendations दी है उसके हिसाब से चलेगा. So is it something the as Dr. Saurabh also said, indiscriminate and irrational use of steroids which is making mucor mycosis a bigger epidemic than COVID itself. And as हमें ये भी समझना चाहिए कि
म्यूकरमाइकोसिस एज सच द फैटेलिटी इज टू मच, द मोर्टेलिटी इज टू मच. जो नेजल वाला है उसका करीब 40-50% है, डॉक्टर शाह में एड ऑन दैट. बट इफ यू आस्क मी अबाउट पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस विच वी गेट वंस इन अ वाइल, इट हैज 90% मोर्टेलिटी. तो आई थिंक वी शुड, दिस इज द टाइम, अभी भी समय, आई मीन हमारे पास समय है कि हमें सचेत हो जाना चाहिए और हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए गाइडलाइंस और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एनी एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को रोक देना चाहिए. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ. हार्दिक, यू आर द मैन ऑफ द मोमेंट दिस टाइम इन इंडिया. What are the ENT symptoms? How should, you know, what should we look for? आम जनता के लिए कार्यक्रम है, आम जनता को क्या देखना चाहिए कि उन्हें ये सचेत हो जाए कि हमें म्यूकर हो सकता है? हमने जो भी अब तक पेशेंट्स स्टडी किए हुए उसमें करीबन द मोस्ट कॉमन थिंग इज सीवियर हेडेक, काफी सारा हेडेक रहता है पेशेंट को. दूसरा है कि सूजन आ जाना, चीक पे फेशियल स्वेलिंग, यानी एक साइड पे सूजन आती है अराउंड दी आईज चीक वगैरह में, और नाक में से ब्लीडिंग वगैरह होता है, बट इट इज नॉट वेरी मच कॉमन कंपेयर टू दिस टू सिम्टम्स. सो नेजल ब्लीडिंग होना, नाक में से खून बहना, नाक ब्लॉक हो जाना, ब्लैक कलर का क्रस्टिंग बनना, दे आर ऑल देयर. बट द सीवियर हेडेक एंड द स्वेलिंग आर द मोस्ट कॉमन थिंग विच वी आर फेसिंग. सम पेशेंट्स ऑल्सो कमिंग विद द लूजनिंग ऑफ टीथ और द pain in the teeth. So these are the common symptoms which have patients ko pehle isko look after karna chahiye as early as possible. Aur jab bhi ye symptoms dekhe, patients so bhi nahi paate, utna headache hota hai unko. To ye jaise hi symptoms dekhe, ideally they should check up with the consultant. जी जी जी. और यूजुअली जैसा आपने बताया कि ये ठीक होने के 15 दिन से लेके एक से डेढ़ महीने के अंदर में ये सिम्टम्स आ रहे हैं. हार्दिक, किस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं इन पेशेंट्स को? इसके पहले से भी यही ट्रीटमेंट थी. वन इज द डिब्राइडमेंट, जितना भी नेक्रोस्ड एरिया है नोज में, पैलेट में, आई में, वो नेक्रोस्ड एरिया और द फंगल मटेरियल, फंगल लोड को सर्जिकली वी हैव टू रिड्यूस. एंड सेकंड, वी हैव टू इंक्रीज गिव द एंटी फंगल ड्रग फॉर एटलीस्ट अराउंड 2 months. To get proper feedback or proper clearance of the disease. In the starting phase, we are using the injection amphotericin, which is the gold standard for the mucormycosis. And simultaneously, we prepare the patient for surgical fitness, and then we debride all the necrotic material, which will in itself increasing the environment for the fungal to grow. So we have to reduce the fungal load as much as possible, and with effection of that antifungal treatment, we have to treat the patients. But still, all these things have high much morbidity and mortality. जी 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 जी. मेरे ख्याल से हम है ना काफी अंत की तरफ आ गए हैं, हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया. बट एक क्वेश्चन डॉक्टर ऋचा और डॉक्टर दीपक आप दोनों से रहेगा, why म्यूकोर and why now? जब अगर इम्यूनो सप्रेशन हुआ है तो हमारे पास तमाम सारी चीजें हैं, बैक्टीरियल सेप्सिस है, हमारे पास एमडीआर बैक्टीरिया है, भगवान ना करे मेरी बात सच हो जाए, बट हमारे पास इतनी सारी ऑर्गेनिजम्स हैं जो इम्यूनो सप्रेस पेशेंट्स के पास होता है, एस्परजिलस होता है फंगस में, कैंडिडा होता है, ये सारे नहीं आ रहे, म्यूकोर क्यों आ रहा है और अब क्यों आ रहा है, पिछली वेव में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जितना इनडिस्क्रिमिनेट यूज इस बार हुआ है उतना ही लगभग पिछली बार भी रहा होगा. So why mucor and why now? First Dr. Richa and then concluding remarks by Dr. Deepak. So difficult to say Dr. Ashish ki is baar kyun, shayad zyada patient hamare paas jo patients hain aur unki severity jo hai COVID-19 infection ki is baar zyada hai, zyada hospitalized ho rahe hain aur isiliye zyada unko मेडिकेशन भी मिल रहा है. दैट कैन बी वन रीजन. द अदर थिंग इज ऑल्सो, हमें पता है कि COVID-19 एज सच जो है इन्फेक्शन, वो हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है या इननेट इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं उसको इफेक्ट करता है. आई अग्री कि वो पहले भी था और अब भी है, बट शायद
अगर अगर मैं नंबर्स पे जाऊं तो इंडिया में म्यूकर माइकोसिस का जो इंसिडेंस है वो कंपेयर टू होल ऑफ द वर्ल्ड इज मोर. हमारे यहाँ पे करीब 1 लाख पॉपुलेशन पे 14 म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट्स में मिल जाएंगे. उसको ही अगर हम कंपेयर करें से ऑस्ट्रेलिया से या किसी और ऐसे कंट्री से, वहां पर जो ये नंबर ऑफ पेशेंट्स म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट्स है दैट विल बी लेस देन 0.01 पर लाख पेशेंट. तो एज सच हमारा म्यूकर माइकोसिस का इंसिडेंस अपार्ट फ्रॉम COVID-19 आई एम टॉकिंग जनरली ज्यादा है हमारे देश में. फिर COVID-19 में पर्टिकुलरली क्यों म्यूकर आ रहा है? इफ आई एम राइट, यूके में या फिर और अदर यूरोपियन कंट्रीज में इट वॉज मोर एस्परजिलोसिस रादर देन म्यूकर माइकोसिस. हमारे ही देश में म्यूकर माइकोसिस क्यों आ रहा है, आई रियली डोंट हैव एन आंसर पर्टिकुलरली टू दैट. ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमने बोला कि 3 तरफा मार हो रही है हमारे ऊपर, है ना. हमारे पास COVID-19 से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है इन्फेक्शन से, ज्यादा विरुलेंट है ये वाला स्ट्रेन, इट इज डिक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी. देन स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट, उसके अलावा डायबिटीज है, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है, एसिडिक मीडियम है, तो दैट गिव्स अ प्लेस टू बैक्टीरिया, सॉरी दैट फंगाई टू ग्रो एंड प्रोलिफरेट. एक चीज जो डॉक्टर दीपक ने भी बोली थी कि ह्यूमिडिफायर, आई डोंट नो वेदर इट इज, बट दैट इज एक एक चीज वो बोल रहे हैं कि शायद ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन लग रही है. हमने देखा इस सेकेंड वेव में ज्यादा पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो वो जो पानी यूज हो रहा है वेदर उसमें स्पोर्स हैं जो चले जा रहे हैं और यू नो वो ये म्यूकर माइकोसिस ज्यादा कर रहे हैं. आई डोंट नो, पर हम लोग सीएमसी में हम ह्यूमिडिफायर जो ऑक्सीजन के साथ में वाटर यूज करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हम वो यूज नहीं कर रहे हैं फॉर लास्ट वन हाफ ईयर. इन उसकी जगह पर हम HME फिल्टर्स यूज करते हैं जो हीट एंड मॉइस्चर हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज डिवाइसेस होते हैं, वी आर यूजिंग दैट अगर हम हाई फ्लो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि हमारे पास है भी नहीं पेशेंट्स, बट लुकिंग एट द एपिडेमियोलॉजी आई थिंक डॉक्टर दीपक वुड लाइक टू ऐड और ही मे गिव अस मोर लाइट ऑन दिस व्हाई वी आर दिस टाइम ओनली. थैंक यू डॉक्टर एच एंड थैंक यू डॉक्टर आश. डॉक्टर दीपक, व्हाई म्यूकोर, व्हाई नाउ? मैं 3 सिंपल से पॉइंट्स बताना चाहूंगा, यू नो, एंड लेट मी टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट. ये भी एक हाइपोथेसिस है. पहली चीज, जिस वक्त हम स्टेरॉइड का कंजम्पशन फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो हुआ था वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे हुआ था. सेकेंड वेव के तुरंत पहले हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था और काफी सारे एविडेंसेस हमारे पास आए थे कि फर्स्ट वेव के जितने भी ड्रग्स थे उसमें से सबसे ज्यादा कुछ चीज इफेक्टिव थी तो वो स्टेरॉइड था. देयरफॉर इट बिकेम अ मेनस्टे. दूसरी चीज समझने की जरूरत है आशीष, फर्स्ट वेव वॉज लार्जली एन अर्बन, इट वॉज लार्जली एन अर्बन प्रॉब्लम. काफी सारे केसेस अर्बन में आते थे. सेकेंड, रूरल कंपोनेंट को भूलना नहीं चाहिए ना. देयर इज अ रूरल सर्ज ऑफ द डिजीज दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर का टेक जो है 70% ऑफ द पेशेंट लोड का है. और उस प्राइवेट सेक्टर को यदि मैं डिसेक्ट करूं तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका जो है वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाता है, वो ओवर द काउंटर जाता है, वो फार्मेसी के पास जाता है. तो यदि आप थोड़ा सा पेशेंट का भी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मेन हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले 5 डॉक्टर तो चेंज कर चुका है. जी, ये बताती है कि इंडिया में मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रूरल एरिया में स्टेरॉइड होता है. वो डेक्सोना बुखार के लिए भी देते हैं, फंगल इंफेक्शन के लिए भी देते हैं, हर तरीके से देते हैं. इंडिया इज नोन टू बी ए डायबिटिक कैपिटल, यू नो, ऑफ द ग्लोबल डायबिटीज का. हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, हमारे पास प्रेवलेंस भी ज्यादा है. तो मुझे लगता है 3 या 4 तरीके से इसको देखा जाए तो इट्स ए मल्टी फैक्टोरियल ओरिजिन. एक, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं फॉर श्योर. हमें पता चल चुका था कि स्टेरॉइड इज वेरी एक्टिव, रूरल सर्च बहुत तेजी से बढ़ा, हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ी, ऑक्सीजन पे लोग काफी सारे आए. पर मोर देन दैट, काफी सारे लोग 3-4 कंसल्टेंट के बाद हमारे पास आते हैं एंड बाय द टाइम वी एक्चुअली गो फॉर सम इंटरवेंशन, फर्क पड़ा है आशीष. इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की स्ट्रैटेजी इंडिया में वैसे ही बहुत पुअर थी. और जिस वक्त
लोड बढ़ता गया, लगातार बढ़ता गया। मुझे पता नहीं है कि आप लोग सब आईसीयू में काम करते हैं, कितनी बार आईसीयू प्रॉपरली डिसइंफेक्ट होता है या कितनी बार हमारे वार्ड्स को डिसइंफेक्ट। हमारा केस लोड इतना ज्यादा था कि वी डिडंट हैड एनी टाइम, तो हम लोगों के पास डिस्क्रिमिनेट ड्रग का यूज हुआ, हम आईपीसी मेंटेन नहीं कर पाए, हमारे पास ऑलरेडी स्टेरॉइड्स थे जिसको लोगों ने यूज किया, ओवर द काउंटर हमारे पास आसानी से मिलता है, हम डायबिटिक कैपिटल है, तो इन सबका जो मिला जुला असर रहा उसका एक दुष्परिणाम शायद मुझे ऐसा लगता है म्यूकॉर के तौर पे आया है। दैट्स माय कॉल। सो आपने सभी सभी चीजों का उत्तर दिया, बट व्हाई म्यूकॉर, ये अभी भी मेरे मन में ये प्रश्न है, व्हाई नॉट एस्पर्जिलोसिस, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स। डॉक्टर आशीष अभी तो फिल्म खत्म नहीं हुई है, द मूवी हैज नॉट अटेंडेड, फिल्म अभी बाकी है सर। मैं देखिएगा, आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छी चर्चा की है और हम और भी लंबी बात इस पर कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आप सबका समय भी बहुत कीमती है। कुछ हमारे दर्शक जरूर इम्पेशेंट हो रहे हैं जो देख रहे हैं लगातार इस लाइव को, तो दो सवाल जरूर हैं जिसके साथ मैं इस बातचीत को खत्म करना चाहूंगा, आप में से जो भी इस सवाल का जवाब देना चाहें। एक तो है कि जो लोग अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं कोविड को लेकर, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिसकी वजह से उनको ब्लैक फंगस ना हो? कोविड की ट्रीटमेंट उनकी चल रही है, चाहे वो ऑक्सीजन पे है चाहे ना है नहीं है, लेकिन अब वो दूसरों को देख के घबरा रहे हैं कि मेरी कोविड की ट्रीटमेंट चल रही है तो मैं ऐसा क्या करूं, इस तरह के क्या एहतियात बरतूं जिससे मुझे ब्लैक फंगस से बच जाऊं और कोविड की ट्रीटमेंट करके कोविड से उबर के मैं बाहर निकल आऊं। ये चिंता बहुत बड़ी है उन लाखों लोगों की जो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने तमाम सवालों में से छाटा और ये कॉमन क्वेश्चन है सभी का, बहुत सवाल आए हैं आप सभी के लिए, वो ये है कि क्या जिसको कोविड नहीं हुआ है, कोरोना नहीं हुआ है, क्या उसको भी ब्लैक फंगस हो जाने का खतरा है? ये दो अहम सवाल है। जयदीप, सबसे पहली चीज कि क्या और लोगों को भी ब्लैक फंगस होने का खतरा है, तो ये खतरा पहले भी बना हुआ था, ये खतरा आज भी है। जो भी इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, जो भी कैंसर से पीड़ित हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं, जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, उनको ये खतरा पहले भी था और आज भी है, और उसी मात्रा में है लगभग, अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन था, क्या आप वापस से एक जो लोग इस वक्त कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनके परिवार के सदस्य कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जो पिछले एक डेढ़ महीने में भी संक्रमित थे लेकिन अब ठीक हो गए हैं, ये लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं डॉक्टर साहब। ये लोग सब सोचते हैं कि कहीं अब हमको ब्लैक फंगस, साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान है, इनको 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 बहुत अच्छे सुझावों की और सलाहों की जरूरत है आप जैसे चिकित्सकों से, आप डॉक्टर ऋचा जो भी बताना चाहें, डॉक्टर सौरभ, ये लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम पिछले एक डेढ़ महीने में रिकवर होकर ठीक हो गए हैं तो हम क्या एहतियात बरते, या हम या हमारे परिवार का कोई सदस्य अगर इस वक्त कोरोना के ट्रीटमेंट से गुजर रहा है तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम कोरोना से तो ठीक हो जाएं लेकिन ब्लैक फंगस से बचे रहें? देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है जो आप और हम यहाँ पर बैठ के, हम सभी लोग बैठ के कर रहे हैं, वो है जानकारी फैलाना। ठीक है, सबसे बड़ा हथियार हमारे पास इस समय जानकारी का ही है। तो जैसे कि डॉक्टर हार्दिक ने भी बताया और मैंने भी आपको बताया था कि जो उसके लक्षण है, सबसे पहली चीज कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं अभी तो अगले 15 दिन से लेकर डेढ़ महीने तक आपको खासतौर पर सचेत रहना पड़ेगा। ये ध्यान रखें कि खुद ही ओवर यूज स्टेरॉइड का ना करें, ओवर द काउंटर जाके स्टेरॉइड्स ना लें। अगर आपकी डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करके रखें, ब्लड शुगर को अपने कंट्रोल में रखें और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। इसके अलावा स्टफी नोज हो, नाक के नीचे स्वेलिंग हो, चीक पे स्वेलिंग हो, दांतों का हिलना, जबड़े में दर्द और सिर दर्द, ये ऐसे लक्षण हैं जिनके ऊपर नित प्रतिदिन अपना ध्यान बनाए रखें। और अगर ऐसे कोई लक्षण हो तो तुरंत से तुरंत जाके डॉक्टर की सलाह लें ताकि वो सीटी स्कैन या एमआरआई ऑफ द फेस करवा सकें और वो जो म्यूकोर है उसको आने से पहले रोक पाए। यही चीज मैं कहूंगा कि उन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए, अनलेस डॉक्टर ऋचा एंड डॉक्टर दीपक हैव समथिंग एल्स टू ऐड। Yes, one thing Ashish we haven't discussed is the eye symptoms. उसमें क्या होता है? Eyes में जो है अपने proptosis, आई बाहर आने लगती है, lid drop हो जाती है, आई के पीछे pain होता है, redness आ जाती है और vision चली जाती है। तो ये जो symptoms हैं, ये जब आने लगें या ENT वाले आने लगें, उसमें वेट नहीं करें। आप जैसे किसी लोकल आई डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू गो टू ए हॉस्पिटल जहाँ मल्टी स्पेशलिटी है, जहाँ ENT है, रेडियोलॉजी है, न्यूरो है। तो क्या है? इसमें ट्रीटमेंट में दो दिन भी डिले है तो फिर वो फंगस फैल रहा है। सो यू नो दिस नीड्स अर्जेंट डायग्नोसिस, अर्जेंट ट्रीटमेंट एंड अर्जेंट सर्जरी। इसमें आई को निकालना पड़ता है पूरा। यू नो यू कांट जस्ट ट्रीट इट बाय कि मैं दवाई दे रहा हूँ या दवाई ले रहा हूँ,
सो पूरी आँख को निकालना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, जिससे कि वो ब्रेन में नहीं फैले. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग कि भाई अर्जेंट, अगर सही लक्षण है तो उसका अर्जेंट ट्रीटमेंट करें. आशीष, एक पॉइंट लास्ट में ऐड करना चाहूंगा जयदीप भाई कि ना पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं दो चीज इंपॉर्टेंट समझता हूं कि यद्यपि वो इस वक्त कोविड से पीड़ित है और घर पे है या हॉस्पिटल के अंदर है और स्टीरॉइड पे है, जैसे वो ऑक्सीजन सैचुरेशन देख रहा है वो अपना ब्लड ग्लूकोज भी मॉनिटर करे, यद्यपि उसे पहले से तो भी वो इंश्योर करे कि हर मे बी आफ्टर एवरी थ्री डेज या वो इंश्योर करे. बहुत महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट है कि जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो एज ए डॉक्टर हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हम उसे भी काउंसिल करें पेशेंट कि भाई सब कुछ ठीक है पर ये सिम्टम्स तुझे आए तो शायद यू शुड रिटर्न बैक इमीडिएट. ये मेरा ऐसा सोचना है. बहुत बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत अच्छी डॉक्टर ऋचा. सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगी, प्लीज पैनिक ही मत करिए, घबराइए मत. जो आपको सिम्टम्स बताएं उनका बस ध्यान रखें और ऐसा कुछ होता है तो प्लीज इमीडिएटली अच्छे इंस्टीट्यूट में या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्लीज जाइए. पैनिक की बिल्कुल मत करिए, दैट इज व्हाट आई वुड से. बहुत अच्छी बात है और थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सौरभ, अर्जुन, दीपक, डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर हार्दिक, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. जयदीप, आपका बहुत बहुत आभार और अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये मंच दिया जिससे कि हम ये जानकारियां आम दर्शकों तक पहुंचा पाए. मैं अमर उजाला की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं. हमने एक नया प्रयोग किया है, हर रोज हम कुछ डॉक्टरों से बात करते हैं, कभी एक डॉक्टर होते हैं, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, लेकिन ये हमने एक नया प्रयोग दो बार किया है, पिछली बार भी किया था कि विशेषज्ञ ही आपस में बातचीत करें तो शायद. और मुझे जो जैसे मिथिलीन ब्लू के बारे में अवेयरनेस नहीं था, एक ऐसी सस्ती दवाई डॉक्टर सौरभ ने बहुत अच्छी जानकारी दी. एक बड़ी बात जिस पर मैं शायद बाद में एक और लाइव अमर उजाला पर करूंगा आम जनता की जानकारी के लिए कि अगर ब्रिटेन में या पूरे यूरोप में या अमेरिका में नहीं आया है ये ब्लैक फंगस का मामला इतनी महामारी फैलने के बाद भी कोरोना की और भारत में आया है तो कहीं ना कहीं दवाइयों का गलत और बेतहाशा इस्तेमाल और एक ऐसी कोई सेंट्रल एडवाइजरी नहीं होना कि जिसके तहत सबका इलाज एक ही प्रोटोकॉल के तहत हो, ये बड़ी गैप मुझे दिखाई देती है. डॉक्टर ऋचा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही क्योंकि मेरी पूरी टाइमलाइन अमर उजाला के सोशल मीडिया की टाइमलाइन इस वक्त उस तरह के सवालों से भरी है जिसमें लोगों के मन में भय दिखाई देता है, वो पहले ही कोरोना से परेशान है, मेंटली डिप्रेस्ड हैं, परिवार के परिवार संक्रमित हुए हैं इस बार, बहुत लोगों ने अपने निकटवर्तियों को खोया है, कई जगह तो हमने देखा है कि परिवार ही पूरे खत्म हो गए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य हमने देखे हैं पूरे देश ने. और इतने सारे उदाहरण ऐसे भी हैं कि माता पिता, उनके निकट संबंधी भी चले गए और बच्चे अनाथ हो गए और उन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है. अलग अलग सरकारें योजना बना रही हैं लेकिन हम जानते हैं कि उन बच्चों का भविष्य निश्चित ही संकटमय हो गया है. ऐसी स्थिति में जब लोग वैसे ही परेशान हैं तब ये ब्लैक फंगस जैसी कोई चीज सुनते हैं तो उस अवसाद को बढ़ाता है. लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है. जो लक्षण आपको यहाँ बार बार बताए गए हैं उन लक्षणों पर ध्यान दीजिए. पर आप साइकोलॉजिकली ये भी मत सोचकर चलिए कि जो कुछ भी खबरों में आ रहा है वो सब मुझे ही हो जाएगा, मत सोचिए. और अगर हो भी रहा है तो जैसा डॉक्टर ऋचा कह रही थी, डॉक्टर सौरभ कह रहे थे, तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में जाइए क्योंकि इसको केवल दवाई से ट्रीट नहीं किया जा सकता. इसमें समय सबसे बड़ी चीज है. आपकी रेस जो है, आपकी दौड़ जो है समय के अगेंस्ट है. आपको अगर जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो आप बिल्कुल बच जाएंगे, इससे बाहर आ जाएंगे. लेकिन अगर आप देर कर देंगे तो ये खतरा बहुत बड़ा होगा. डरिए मत. जिस तरह हम लोगों ने कोरोना से लड़ाई लड़ी है और हमारे ये सारे स्वास्थ्यकर्मी हमें उससे निकाल कर लाए हैं, बहुत सारे लोगों की इन्होंने जान बचाई अपना दिन रात एक करके, उसी तरह ये जो ब्लैक फंगस नाम का एक बीमारी के रूप में दैत्य हमारे सामने खड़ा हो गया है, हम लोग उस चुनौती से भी निपटेंगे. उसके बारे में जागरूक करने के लिए हमने ये श्रृंखला शुरू की. आज बहुत अच्छी बातचीत हुई, आपने इतनी व्यस्तता में से समय दिया है. मैं अमर उजाला की ओर से आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और हम फिर इसी तरह के विशेषज्ञों के साथ बातचीत लेकर अमर उजाला के इस मंच पर आप सभी के साथ हाजिर होंगे. अभी के लिए धन्यवाद.